आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के आउटडोर में जो कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है, ये कंडेंसर फैन मोटर जब नहीं चलता है तो कैसे पता करें कंडेंसर मोटर सही है या फिर ये खराब है। तो इस मोटर को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे ब्लेड को बाहर निकालते हैं और कैसे ये चेक करते हैं मल्टीमीटर से और डायरेक्ट चला करके कि ये फैन मोटर सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमने एसी को चालू किया तो हमारा आउटडोर का ये कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन फैन मोटर नहीं चल रहा है। तो फैन मोटर के ना चलने से क्या होता है, इसका काम होता है ना, इस फैन का काम कि कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालना, जिससे कि वाष्प गैस द्रव गैस में बदल जाती है। तो जब ये नहीं चलेगा तो क्या होगा कि ये वाष्प गैस द्रव गैस में नहीं बदल पाएगी, मतलब कंडेंसर ठंडा नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा और कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, हमारी एसी कूलिंग नहीं कर पाएगी। तो मान लीजिए नहीं चल रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके वायर को अलग कर लेना है। कहाँ से अलग करना है, इसके कैपेसिटर से अलग कर लेना है और इसको जहाँ पे जो वायरिंग की गई है तो वहाँ से अलग कर लेना है। तो इसका हम जो वायर है ना, इसको हम अलग कर देखें, एक ये वायर है और एक ये है और एक हमारा जो वायर है वो ये वाला है, ये। तो हमने इसके तीनों के तीनों वायर को हमने अलग कर लिया है, यहाँ से एकदम इसको अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा, मैं आपको बता दूँ कि ये इसका ब्लैक वाला जो वायर है ये आपका कॉमन है और दूसरा ये जो वाइट वाला है ये रनिंग है और जो पिंक वाला है ये स्टार्टिंग है। इसमें एक और वायर है ग्रीन कलर का, ये अर्थिंग का है, इसको हम बॉडी में टच कर देते हैं ताकि कोई करंट वगैरह इसमें आए, मतलब करंट वगैरह आए तो फिर अर्थिंग वाला जो तार बॉडी में टच होता है उसके ज़रिए से वो ज़मीन में चला जाए। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें इसको चेक करना है, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर को आपको सेट करना होगा कंटिन्यूटी मोड पे। तो कंटिन्यूटी मोड पे यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वायर हैं, तो इसको सबसे पहले हम मीटर को चेक करेंगे कि ये मीटर बता रहा है नहीं बता रहा है, देख सकते हैं ये आवाज़ भी कर रहा है, मतलब बता रहा सही है। अब इसके बाद हम किसी एक तार पे रख करके हम सबको बारी बारी चेक कर लेंगे। अगर ये सभी तारों पे मान बता रहा है, मतलब कि रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग तीनों तारों बाद मान बता रहा है तो ये ठीक है, अन्यथा इस मोटर को ख़राब मानेंगे। चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए बता रहा है कुछ नहीं बता रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा बता के भाग जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखते इसको देखते हैं, ये भी बता रहा है और भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 200 तक सिर्फ नाप सकता है कंटिन्यूटी मोड पे मीटर, और इसका रेजिस्टेंस हो सकता है कि 200 से ज़्यादा हो। तो उस केस में क्या करें, कभी कभार अगर आपका कोई मोटर कंटिन्यूटी पे ये रीडिंग शो नहीं करता है तो आप क्या करिए ना, एक बार इसको किलो ओम पे सेट कर लीजिए, मतलब 20K पे सेट कर लीजिए, ताकि जब अगर हो सकता है कि इस मोटर का रेजिस्टेंस 200 से ज़्यादा हो तो ये 200 पे नहीं बता पाएगा और समझ जाएंगे आपकी मोटर ख़राब, बट ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, 200 से हटा के रेंज को कर देंगे 20K, मतलब कि 20,000 पे कर देंगे, जिससे कि जितना भी ज़्यादा रेजिस्टेंस कितना भी रहे यहाँ पे तो बता ही देगा। तो कभी जब कंटिन्यूटी पे ना बताए तो किलो ओम पे आप लोग 20 किलो ओम पे कर लिया करिए। तो आप चेक करते हैं, देखते हैं आप बता रहे नहीं बता रहे, किसी एक तार पे रखे हुए हम किसी भी रख सकते हैं और दूसरे को चेक करते हैं। देखिए ये वहाँ पे बता रहा है, मान देख सकते हैं बता रहा है, और दूसरे इसको चेक कर लेते हैं, ये भी बता रहा है। एक बार इसको छोड़ के इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, देखिए ये भी बता रहा है। अगर इन तारों में से कुछ किसी एक तार पे मान नहीं बताएगा या किसी भी तार पे मान नहीं बताएगा तो इस मोटर को ख़राब माना जाएगा। फिलहाल अभी तो ये मोटर का मान बता रहा है ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका जो बूस है, जो बैरिंग हो, ये ख़राब भी हो सकती है। तो बैरिंग बूस ख़राब होने की वजह से ये जाम हो जाया करेगा, चल नहीं पाएगा सही से। तो इस केस में हम अच्छा होगा हमारे लिए कि हम इसको एक बार डायरेक्ट चला करके चेक कर लें। तो डायरेक्ट कैसे चलाते हैं ये भी समझ लीजिए सही से। तो इसमें एक रनिंग है, एक कॉमन है और एक स्टार्टिंग है। तो मीटर से आप चेक कर सकते हैं कि मीटर से किस तरीके से रनिंग कॉमन स्टार्टिंग को चेक किया जाता है, ये आपको पता भी होगा। फिलहाल नहीं हो तो फिर आप इसको देख सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से पता करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पता भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको वही किलो पे हमने सेट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बता रहा था 200 पे कंटिन्यूटी मोड पे, तो हमने किलो पे सेट कर लिया था। हम किसी एक तार को, मतलब मीटर के किसी एक तार को इसके किसी भी तार पर रख देंगे जहाँ मन करें और दूसरे से बारी बारी चेक करेंगे। तो जिन दो तारों पर कॉमन की पहचान ये कि जिन दो तारों पर मीटर का मान सबसे ज़्यादा बताएगा उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। तो चेक करते इस पे कितना मान बता रहा है, इस पे देखते हैं, इस पे देखिए बता रहा है 0.21, ठीक ना, 22 बता रहा है। फिर इस पे चेक करते हैं, इस पे बता रहा है 0.22,
क्लियर। तो हमने इन दोनों को चेक कर लिया, दोनों पे लगभग सेम सेम बताया है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है, और इसको हटा के भी इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो जिस पे से ज़्यादा मान बताया उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा कामन का होगा, तो चेक करते इसमें 0.22 बता रहा है, यहाँ पे देखिए 0.44 बता रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पे सबसे ज़्यादा मान बताया है, तो इन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ जो तीसरा तार हमारा है यही ब्लैक वाला क्या है, कामन है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा मान बताया है। इनको छोड़ दीजिए, तीसरा तार कामन। अब कामन पे रखने के बाद हम इन रनिंग स्टार्टिंग को चेक करेंगे कि इसमें से कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है। तो इसको चेक करने के लिए एक तार इस पे कामन पे तो फिक्स कर देना है और दोनों को चेक करना है, जिस पे मान कम बताएगा वो रनिंग का हो जाएगा और जिस पे मान ज़्यादा बताएगा वो स्टार्टिंग का होगा। तो चेक करते हैं किस पे कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.21 ये बता रहा है, 0.2 और 1 क्लियर, 21 बता रहा है। इस पे देखते हैं 0.22, तो इसका मतलब 22 वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग हो गया और 21 मतलब कम है, तो ये हो गया हमारा रनिंग का वायर। तो वाइट वाला रनिंग है और जो ये आपका है गुलाबी वाला जो वायर आपका है पिंक वाला ये स्टार्टिंग हो गया, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये आपका है कॉमन। तो ये जब पता चल जाएगा आपको तब आप सही से इसको चला पाएंगे, कहीं कनेक्शन गलत कर देंगे तब भी आपका मोटर नहीं चलेगा, इसलिए कनेक्शन को सही से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास है कैपेसिटर, इसी वाले कैपेसिटर चेक कर लेंगे, थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं इसको। तो इसका जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, छोटा सा कैपेसिटर, और इसमें हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे। तो रनिंग स्टार्टिंग यही है, इसमें रनिंग ये है स्टार्टिंग ये है, तो रनिंग स्टार्टिंग को हमेशा कैपेसिटर पे लगाते हैं। ये एक एक पिन है, दोनों मिला के एक पिन हो जाएगी, ये दोनों मिला के एक पिन, मतलब दो ही पिन है, चार बनाया है फिलहाल, दो ही है ये। तो हम लगा देते हैं, किसी एक पे यहाँ लगा देते हैं और किसी एक पे यहाँ लगा देते हैं। तो अब हमारी एक सप्लाई जो मिलेगी इसको दी जाएगी वो यहाँ पे दी जाएगी और एक सप्लाई दी जाएगी यहाँ पे। तो सप्लाई मैं देके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास एक केबल है, एक केबल है, इसी को हम यहाँ पे लगा के चलाएंगे। तो फिलहाल ये रनिंग पे हमने इसको सप्लाई दे देनी है, तो कोई भी तार लगा सकते हैं न्यूट्रल फेस में, कोई भी रनिंग पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे लगा दिए और दूसरा जो हमारा ये कॉमन का तार है इस पे सप्लाई जाएगी, एक रनिंग पे और एक कॉमन पे सप्लाई दे दी जाएगी और ये मोटर हमारा रन कर देगा। कनेक्शन में एक बार और आपको बता देता हूँ, देखिए कैपेसिटर हमने यहाँ पे हमारे पास है, तो हमने रनिंग और स्टार्टिंग वाले मोटर के रनिंग स्टार्टिंग वाले तार को कैपेसिटर में लगा दिया, फिर जो रनिंग वाला तार कैपेसिटर में लगा है उसी पे हमने इसके फेस वाले तार को दे दिया मेन सप्लाई की। उसके बाद जो यहाँ पे कॉमन वाला वायर है मोटर का उस पे हमने डायरेक्टली न्यूट्रल को दे दिया, बस इतना करना है। उसके बाद इसको चालू कर देना है और अगर फैन मोटर चल जाएगा तो इसका मतलब फ़ैन मोटर सही है 100%, नहीं चलेगा तो फैन मोटर ख़राब है या फिर आपका कैपेसिटर कमज़ोर हो चुका है, तो कैपेसिटर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो चलाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस प्लग को लगाना है और देखना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो लगाते हैं ये डायरेक्ट, अभी फ़िलहाल हमने चालू करना है, जिसे लगाएंगे तो ये चल जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन मोटर जो हमारा है ये स्टार्ट हो चुका है और सही स्पीड से चल रहा है, जितना स्पीड से चलना चाहिए इसको। तो इसका मतलब ये जो हमारा फैन मोटर है ये 101% सही है, मतलब एकदम सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। यदि इसकी स्पीड स्लो हो है तो आप काम कर क्या करिए कि ये जो कैपेसिटर इसको नया लगा दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितने MFD का ये है उतने का लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि कैपेसिटर नया लगाने के बाद भी स्पीड नहीं बढ़ती है तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक मोटर के अंदर जो बाइंडिंग है ये हीटअप हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, कमज़ोर होने हो चुकी है, जिसकी वजह से स्पीड नहीं बन रही है। तो आपको मोटर को ही बनवाना पड़ेगा या फिर नया लगाइए, AC वगैरह में मोटर बनवाने से अच्छा है कि उसको नया लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब हमारा मोटर सही है। जैसे मान लीजिए कि मोटर हमारा अगर नहीं चला, मतलब कि ख़राब है मोटर, हमने चेक किया मीटर नहीं बताया या फिर मीटर बताया तो ये डायरेक्ट चलाने पर नहीं चला, तो मोटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं ये सही से समझिए। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है, इसका जो ब्लेड है, जो पत्ती है इसकी, इसको बाहर निकालना पड़ेगा और इसको बाहर निकाल के तब इसके स्क्रू खोला जाएगा और इसको चेंज किया जाएगा। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये 10 नंबर का स्क्रू लगता है, यहाँ पे ये टी रिंच लगती है 10 नंबर की, तो इसके अंदर को खोल देते हैं। मोटर क्या है, मोटर का जो नट होता है ये ज़्यादातर मतलब 95% ये उल्टा, ये मतलब क्लॉकवाइज खुलता है और एंटी क्लॉकवाइज ये कसा जाता है, मतलब जिधर का कसते हैं ना उधर का ये खुलता है और जिधर का खोलते हैं उधर का ये कसाता है। तो हम इसको कसेंगे तो ये खुलेगा, तो ये गलती मत करिए, खोलते जाएंगे कसाता जाएगा तो खुलेगा नहीं, तो कसना है तो खुल जाएगा। देखिए हम कस रहे हैं और ये खुल गया, देखिए। तो फिलहाल ये हमारा जो नट है ये बाहर आ चुका है और उसके बाद इसको हम खींच लेंगे। देखिए ये निकल नहीं रहा है तो मतलब इसमें है टाइट ये, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लास का यूज करेंगे और इसको पीछे से धक्का देंगे, कभी ऊपर मारेंगे तो कभी नीचे मारेंगे, इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। तो इधर मार दें, इधर मारते हैं,
इस तरीके से आपको धक्का देना पीछे से। कभी कभार ये पंखी थोड़ा जाम रहती है, तो फिलहाल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी निकल जाएगी ये। इस तरीके से आराम आराम से मारना है और ये पंखी आपकी बाहर निकल जाएगी। तो फिलहाल ये लग रही है जाम, तो इसका दूसरा भी तरीका है, ये भी देख लीजिए आप लोग। तो पंखी यहाँ पे जगह ना मिलने की वजह से ये नहीं निकल पा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, हम ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर से मार देंगे, निकल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्क्रू जो हमारा, ये खोल लेते हैं, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। तो इसको जो स्क्रू यहाँ पे लगे हैं, चार स्क्रू लगे हुए आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू है और इधर है एक और नीचे है, मतलब दो, मतलब चार स्क्रू लगे, चारों को हम यहाँ से खोल लेते हैं। देखिए आप इस तरीके से लगाना है आपको और इसको इसको ड्राइवर घुमाना है, खुल जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, फिलहाल खुल रहा है। स्क्रू को खोल लेना है, तो हम लोग सारे स्क्रू खोल लेते हैं जल्दी से जल्दी और फिर आपको दिखाते हैं। एक खुल गया, दूसरा भी खोल लेते हैं, वहाँ से इधर से दिखाइए। तो ये चारों के चारों स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ पे होता है लॉक, मतलब जो कि तार को फंसाया गया होता है, इसको भी निकाल लेते हैं। नज़दीक दिखाइए, साइड दिखाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही लॉक है, जो कि थोड़ा सा इसको हटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। फिलहाल हाथ से भी ये हट जाता है, चलिए ये हट गया। अब ये केबल टाई यहाँ से हट चुकी है और अब इसको हम लोग खींचेंगे, मोटर हमारा बाहर आ जाएगा। देखिए तो ये जो हमारा मोटर है ये आ चुका है बाहर, कनेक्शन को हटा देते हैं। देखिए इस तरीके से मोटर आ जाता है बाहर। और थोड़ा सा हैमर लेकर आइए, तो हैमर लेकर आइए और कोई लकड़ी का टुकड़ा हो कुछ वैसा, हाँ लकड़ी का टुकड़ा है, हैमर बस लेकर आइए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मोटर बाहर आ गया। प्रॉब्लम ये हुई कि ये पंखी नहीं निकल पाई, ब्लेड ना निकलने की वजह से पूरा मोटर ही पहले खोलना पड़ा। वैसे आपको पहले पंखी खोल के निकालना नहीं निकलेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वहाँ स्पेस नहीं मिल पाता, यहाँ पे पूरा भरपूर स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से ठोक के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली आप अगर इसको हथौड़ी से मारेंगे ना, हैमर से, तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर स्क्रू आपका ये टाइट नट नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको लकड़ी का कोई टुकड़ा लेना है, उसको यहाँ पर रखना है और फिर इससे मारना है। तो आइए पकड़िए, तो उठाइए, तो इसको ये इस तरीके से पकड़ेंगे, उठाए रहेंगे और यहाँ पे मारा जाएगा, निकल जाएगा। हाँ ऐसे पकड़िए, जहाँ हम पकड़े वहाँ पकड़े, ब्लेड नहीं पकड़ना है, ब्लेड पकड़ा जाएगा तो फिर ब्लेड टूट जाएगा। ठीक है, बस इसको यहाँ पे रखा जाएगा और इसको चोट मार, ये आ जाएगा बाहर। काफ़ी जाम लग रहा है ये, तो यहाँ पे जो इसका साफ्ट है, ये साफ्ट अंदर जा चुका है लेकिन उससे अंदर नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे और यहाँ पे फिर दोबारा से वही काम करेंगे, इससे हम लोग पिला से कर रहे थे, तो फिलहाल इसी हैमर से हम यहाँ से मारेंगे। ये अच्छा रहेगा, देखिए इस तरीके से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इस तरीके से मोटर को सीधा करके आपको इस तरीके से आ गया बाहर। तो इस तरह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है फील्ड में, ये ब्लेड वगैरह नहीं निकल पाते हैं, तो निकालने का भी तरीका यही है, इस तरीके से इसको बाहर निकाला जाता है। तो आप इस तरीके से बाहर निकालेंगे और जब लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ इसके बारे में समझ आ जाएगी। जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, फ़ैन ना चलेगा, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो लगाते कैसे ये भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर लगाते कैसे हैं इसको ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो आपका मोटर है
इस मोटर को आपको यहाँ पे फिट करना है। फिट कैसे करते हैं ये भी जानिए, क्योंकि यदि आप उल्टा फिट कर देंगे तो आपका मोटर जब सर्विस होगा कभी एसी का तो ये मोटर आपका ख़राब हो जाएगा। करना क्या है आपको, ये जो स्टिकर वाला पॉइंट है ये आपको ऊपर रखना है, और जिस साइड से ये वायर निकला ना, वायर तार, तो ये तार जो केबल निकला हुआ है ये नीचे रखना है। ऐसा क्यों करना है ये समझिए, अगर ये वायर इस तरीके से रहेगा और आप इसको सेट कर देंगे, सेट तो हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि पानी जब वहाँ पर कोई सर्विस करेगा, प्रेशर मारेगा, तो पानी कहाँ चला जाएगा, मोटर में चला जाएगा, और मोटर क्या होगी, बाइंडिंग जल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे नीचे। यदि नीचे करते हैं स्टिकर ऊपर करते हैं, हाँ ऊपर करने से नुकसान और क्या है, एक तो पानी चला जाएगा, जल जाएगा, दूसरा कोई टेक्नीशियन आएगा रनिंग का भी स्टार्टिंग, उसको मीटर से नहीं चेक करना है, इसको चेक करना है इसको स्टिकर से देख करके, तो वो स्टिकर देख ही नहीं पाएगा, तो फंस जाएगा, तो फिर खोलना पड़ेगा मोटर उसको, दो नुकसान इससे है। इसलिए आपको हमेशा क्या करना, नीचे करना। नीचे करने से क्या होगा, जब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो पानी जो है इसके ऊपर गिरेगा, तो पानी जो है यहाँ नीचे जाएगा, और नीचे से आकर के सीधा ज़मीन पे गिरेगा, मतलब इस होल के जरिए से अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे कि आपका मोटर जलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको हमेशा तार जो केबल है उसको हमेशा नीचे रखना है, स्टिकर हमेशा ऊपर रखना है, ये ध्यान देना है। और केबल को पहले अंदर डालना है यहाँ पे आपको, तो केबल अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसको सेट करना है सही से। तो यहाँ पे ऐसे रख करके यहाँ पे आप इसको सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टिकर एकदम ऊपर आ चुका है और वायर जो है नीचे आ चुका है, और हम इसको करते हैं सेट। यहाँ पे देखिए सेट हो चुका है, अब इसको हम कर देंगे टाइट। तो टाइट करने के लिए हमारे पास देखिए यही है पीएच इसकी, तो टाइट कर देते हैं जल्दी से थोड़ा ऊपर, बस ठीक। तो आपको चारों स्क्रू को आपको टाइट कर देना है, और अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपन बहुत ज़्यादा होता है, हल्का रहेगा टाइट तो फिर यहाँ पे लूज हो सकता है आपका जो स्क्रू है। लाइए फाइल थोड़ा लेकर आइए, देखिए बात यह है कि इसको थोड़ा सा हम लोग फाइल मारेंगे ताकि ये लगाने में आसानी हो, निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, ताकि दोबारा कोई निकाले उसको प्रॉब्लम ना हो, तो अगर सा फाइल मार देंगे तो अच्छे से ये निकल जाएगा, अच्छे से लग जाएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से टाइट करते हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे से पूरा अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे टाइट करना होता है स्क्रू को, तो ये टाइट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसमें डालेंगे फाइल ताकि अच्छी तरीके से ये लग जाए ब्लेड में, इसको हम फाइल करेंगे। घुमाते रहना है और फाइल मारते रहना है आपको, तो यहाँ पे ये फाइल हो चुकी है। अब ब्लेड को हम यहाँ पे जिस तरीके से निकाल रहे थे उसी तरीके से इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेड हमारा फिट हो चुका है, काफ़ी आसानी से अंदर चला गया। और इसके बाद जो इसका नट था, आपको काम ये करना, जो ये स्क्रू वगैरह होते हैं इसको एकदम संभाल के सही जगह पे रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गायब होते रहते हैं, फिर बहुत परेशानी होती है, तो संभाल के रखिए ताकि स्क्रू गायब ना हो जाए। तो इसको हम सही से टाइट कर देंगे, देखिए क्या करना है, जब कसेंगे तो खुलेगा और जब खोलेंगे तो कसाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, कसेंगे नहीं खोलेंगे, तो ये कसाएगा, मतलब एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए, ये कसता चला जाएगा, देखिए कसा रहा है। और उसके बाद जो टी रिंच है इसके ज़रिए से हम इसको थोड़ा और अच्छे से टाइट कर देंगे, देखिए सही से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो फिलहाल ये हो चुका है पूरा टाइट, अब टाइट नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। और फिर यहाँ पे जो हमारा ये केबल था, इस केबल को हम यहाँ पे इस तरीके से ले जाएंगे, और जो यहाँ पे लॉक है इसको यहाँ पे दिखा, थोड़ा सा लॉक दिखा दीजिए, तो एक बार यहाँ पे देखिए ऐसा एक लॉक होता है ताकि इसमें आप फंसा दे तार, ये गिरे ना, वरना फिर जा कर के पंखी में फंस जाएगा और ये पंखी टूट जाएगी। देखिए इसे घुमा देंगे बस, ताकि निकल जाए, देखे ऐसे ही घुमा देंगे, दोनों फंस गए ना, एकदम फंस गए, गिरेगा नहीं ये। अब इसको ला करके वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस फैन को चेक करते हैं, रनिंग का मन स्टार्टिंग को भी इस तरीके से, किसी भी चीज़ का रनिंग का मन स्टार्टिंग हो, मोटर हो, कंप्रेसर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका चेक करते हैं जिस तरीके से बताया गया आपको, और इसी तरीके से मोटर को निकाला जाता है और इसी तरीके से मोटर को लगाया जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीके से ये जो चीज़ है, मोटर को चेंज करना, मोटर को चेक करना, और मोटर को कभी प्रॉब्लम आए पंखी वगैरह निकालने में तो कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये यूपी आजमगढ़ में है, और जो भी लोग काम को सीखना चाहते हैं वो लोग आकर के यहाँ पे करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे काम को सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 3 दिन का फ्री में डेमो क्लास मिलता है और हॉस्टल भी फ्री ही 3 दिन तक मिलेगा। आप आइए, हॉस्टल में रहिए, सीखिए, समझिए, 3 दिन तक लोगों से पूछिए जो यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं और लेकर के सही तरीके से अच्छी तरीके से काम को सीख सकते हैं, और सीख करके आप अच्छी तरीके से काम को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप, मतलब हम हैं, तब तक आपको क्या है कि अगर कभी फील्ड में फंसते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं सीधा, और कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ जो है ये हमको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे ये सही करें। तो जो लोग ये फैसिलिटी उनके लिए, जो लोग हमारे यहाँ सीख के जा चुके हैं उनके लिए, जो लोग सीख के जाते हैं, बाकी जो लोग नहीं हमारे यहाँ आए हैं उनके लिए क्या है कि वो यूट्यूब पे जो वीडियो है किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, जो कुछ ना समझ आए तो वहाँ पर उनको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।